Hi, I'm Evelyn Sharma and you're watching me on khabarharpal.com. एक बार फिर रिश्तों का हनन करने वाला मामला सामने आया है। जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में रिश्ते के ही मौसेरे भाई ने अपनी ही बहन की नहाते समय वीडियो क्लिपिंग बना ली और उस क्लिप के आधार पर अपनी ही नाबालिग बहन को ब्लैकमेल कर उसको संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा। कई दिन तो ये बात लड़की बदनामी के डर से अपने मन में दबाए चुप रही, पर जब आरोपी भाई ने एक रात उसके घर दाखिल हो जबरदस्ती हवस का शिकार बनाना चाहा तो लड़की ने हिम्मत कर शोर मचाया तो आरोपी भाग खड़ा हुआ। तो फिर लड़की ने सारी बात अपने घर वालों को बताई तो परिजनों ने मामला दर्ज करवाया। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। मैं मुरादाबाद अपना इलाज करा रहा था तो मेरी पत्नी मुझे देखने के लिए गई थी। घर पर लड़की अकेली थी, अकेली लड़की को देख कर घर में छिप गया था। लड़की नहा रही थी, उसने जो वीडियो क्लिप बनाते हैं क्या कहते हैं, मैं तो हल्दा नहीं था उसको, वो मनाई थी। लड़की ने उसको पकड़ लिया और शोर मचाया और शोर मचाने के बाद में ये लोग जो बाहर के लोग टाड़े छत पर चल गए। लड़की ने जबरदस्ती करके वो प्लेट खोल दिया। ग्राम जारी में एक परिवार रहता है, उस पीड़िता के फुफेरे भाई उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी सूचना उसकी माता ने थाने पे दी है। हमने मुकदमा कायम करके और डॉक्टर के लिए बिटिया को भेज दिया है बैग। तो मामला ये बताया जा रहा है कि आरोपी ने धोखे से उसकी वीडियो फिल्म बना क्लिपिंग बना करके ब्लैक डिस्कनेक्ट किया है। हाँ, ऐसा पीड़िता ने बताया है और हमने उसको भी FIR में सम्मिलित किया है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी घिनौनी घटनाएं हमारे समाज को कब तक गंदा करती रहेंगी। सद्दाम हुसैन और न्यूज़ डेस्क से गौरव मैनी के साथ खबर हरपल इंडिया।